एक नज़र मांगी है, और नज़र ये मांगी है कि वो मदीना से मक्का पैदल जाएंगे हज के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उसको कहो कि नज़र को तोड़ दे और उसको सवारी पर सवार कर दिया जाए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सभी लोगों को इंतजार है कि शिहाब चतुर का सफर जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। आइए जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं और उन्हें अभी कितना और समय लगेगा अपनी इस हज यात्रा को पैदल पूरा करने में। शिहाब चतुर एक ऐसा नाम है जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनके बारे में सब जानना चाहते हैं कि वो अभी कहाँ हैं और कब जाएंगे। उन्होंने जो फैसला लिया है कि वो मक्का तक पैदल यात्रा करेंगे, वो बहुत ही बड़ी बात है। जब लोगों ने इसके बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। शिहाब को 8600 किलोमीटर चलना होगा, ये किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है, और इस तरह के फैसले लेने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है। उन्होंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया था। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी और 2 जून को हज यात्रा के लिए पैदल निकल गए। शिहाब ने इसकी तैयारी 1 साल पहले शुरू कर दी थी। उन्होंने सारे पेपर्स तैयार करवाए, उन्होंने पैदल चलने के लिए ट्रेनिंग भी ली। शिहाब वर्कआउट, एक्सरसाइज और योगा भी करते थे ताकि वो फिट रहे, जिससे कि उनमें काफी एनर्जी रहे। जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी तब से वो 25 से 30 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे। ये उनका सपना था कि वो एक दिन पैदल हज यात्रा जरूर करने जाएंगे। इसके लिए उन्हें 5 देशों से होकर गुजरना होगा। उन्होंने भारत का एरिया तो कवर कर लिया है, उन्हें घर से निकले हुए 7 महीने भी हो चुके हैं। जब वो भारत का एरिया कंप्लीट करके बाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें पाकिस्तान ने वीजा देने से मना कर दिया। उन्हें सिक्योरिटी का हवाला देकर वीजा नहीं दिया गया, जिसके कारण शिहाब का सफर बीच में ही रुक गया। शिहाब का सफर 2.5 महीनों से रुका हुआ है। उन्हें कहा गया था कि उन्हें समय से वीजा मिल जाएगा, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला और उनके साथ पाकिस्तानी एम्बेसी यानी कि दूतावास ने धोखा किया। जब शिहाब चतुर को वीजा नहीं दिया गया तो सारी जनता भड़क गई थी, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ था। पाकिस्तान की जनता ने भी उनका सपोर्ट किया था, वहाँ की जनता ने तो उनके सपोर्ट में प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने सरकार से शिहाब को वीजा देने के लिए कहा था। उनका कहना ये था कि किसी भी मुसलमान के लिए हज की यात्रा करना एक सपना होता है, और हमारा देश उसकी अहमियत समझकर भी उन्हें वीजा नहीं दे रहा है। वो तो अल्लाह के मेहमान है और उन्हें जाने देना चाहिए। भारत हिंदू देश होने के बावजूद भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है। शिहाब को हर धर्म के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सभी धर्म के लोग उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ पैदल चलकर आते हैं बहुत दूर से, लोग उनका कई घंटों तक इंतजार करते हैं, उनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बहुत सारे लोग तो उनके साथ पैदल भी चलते हैं। शिहाब भाई सभी से अच्छे से मिलते हैं, वो सभी के लिए टाइम निकालते हैं। अभी कुछ समय पहले उनसे मिलने के लिए यूके से 2 लोग आए थे, जिनसे मिलकर शिहाब भाई को बहुत अच्छा लगा था। और अभी तो काफी समय से लोग शिहाब भाई से मिलने के लिए आफिया केयर स्कूल में आ रहे हैं। उन्होंने एक समय निश्चित किया है जब लोग उनसे मिलने आते हैं। शिहाब चतुर स्कूल के बच्चों के साथ भी समय बिताते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं। जुनैद भाई जो कि स्कूल के ओनर हैं, उन्होंने ही शिहाब भाई के रहने खाने का इंतजाम किया है। जुनैद भाई ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। जब से वो पंजाब के खासा गांव में रह रहे हैं, तब से वो एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। वो लगभग रोज 8 किलोमीटर चलते हैं और पंजाब को एक्सप्लोर करते हैं। वो हर जगह पैदल ही जाते हैं, किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करते। जब तक उनकी हज यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो पैदल ही चलेंगे। अभी तक उनका पेपर वर्क का काम उनकी पूरी टीम ने ही किया है, क्योंकि शिहाब भाई वापस नहीं जा सकते थे। उनकी टीम ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया है। उन्हें बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, तो कुछ लोगों ने बोला कि वो प्लेन से जाएंगे, और बहुत से लोगों ने बोला कि उन्हें वीजा ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी बातें सुनकर शिहाब भाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अपना ये सफर जरूर पूरा करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह उनके साथ है, वो उनकी जरूर मदद करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही शाही इमाम साहब ने बताया कि शिहाब कुछ ही समय में पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने सभी बातें बताई, लेकिन ये जरूर बताया कि उनका सफर बहुत ही जल्दी शुरू होगा। ये भी कहा कि शिहाब पूरे तरीके से फिट है और सफर अच्छे से कर सकते हैं, और जो भी शिहाब भाई के चाहने वाले हैं वो फेक न्यूज पर भरोसा न करें। वो वापस नहीं जा रहे हैं, वो अपना सफर पूरा करेंगे। इसके लिए बस कुछ ही समय लगेगा। अभी न्यूज भी आ रही है कि शिहाब चतुर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उन्हें गुप्त तरीके से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के चलते उन्हें चुपचाप पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। उनके बारे में अब कुछ भी न्यूज नहीं दी जाएगी और न ही उनके सफर के बारे में कुछ बताया जाएगा। अब वो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं देंगे। और कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में 50 से 100 किलोमीटर का सफर पार कर लिया है। वो कहां से सफर करेंगे, वो कहां रहेंगे, ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें ये सब गुप्त रखने को कहा है। बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं, शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंचे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये न्यूज गलत है। वो अभी भारत में ही है, अभी वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं।
उनका लोकेशन अभी भी पंजाब के खासा गांव के आफिया केयर स्कूल में ही है। वो अभी भी वहीं रह रहे हैं। उनका पेपर वर्क जरूर पूरा हो गया है। उनका ना वीजा का इशू है और ना ही रिकमेंडेशन लेटर का। अब जैसे उनको डेट मिल जाएगी वो अपना सफर फिर से शुरू कर पाएंगे। शिहाब भाई का ये सफर कभी भी शुरू हो सकता है, एक या दो दिन में या फिर कुछ समय के बाद। लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर की आखिरी रात तक वो पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान की जनता तो वैसे भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आशा है कि शिहाब चतुर का सफर जल्द शुरू होगा। वो जिससे भी मिलते हैं उनका ये कहना होता है कि सब पांच वक्त की नमाज जरूर पढ़े और उनके लिए दुआ करें कि उनका ये सफर जल्दी से शुरू हो जाए। तो इसीलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि वो इतनी ही हिम्मत से आगे बढ़े और अपना ये सफर जल्दी से जल्दी पूरा करे। सभी की दुआएं शिहाब भाई के साथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।